हाय गाइस, तो फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कमाल की वीडियो लेकर आ चुके हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप का येलो एंड ब्लू कलर टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं। सो गाइस, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए तो प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी और पे प्रेस कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो गाइस, आप लोग इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना तभी आप भी सेम टू सेम फोटो एडिटिंग सीख पाइएगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, सबसे पहले हम लोग लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इस ऐप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, मैं लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ एंड ओपन होने के बाद आप लोग को ये प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को उस फोटो को ऐड करना है जिस फोटो को आप लोग एडिटिंग करना चाहते हैं। सो गाइज, मैं उसी फोटो को ऐड कर लेता हूँ जिस फोटो को आप लोग थंबनेल में देखे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उसी फोटो को ऐड कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैं उसी फोटो को ऐड कर लिया। अब हम लोग ये ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं हम लोग जिस फोटो को ऐड किए थे वो फोटो यहाँ पे आ चुका है, फर्स्ट नंबर पे ही है। हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइज, मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं लाइटरूम में हम लोग का फोटो एडिटिंग करने वाला ऑप्शन आ चुका है एंड आप देख सकते हैं हम लोग का फोटो में कितना ज़्यादा लाइट है। आप देख ही सकते हैं फेस एंड बैकग्राउंड में कितना ज़्यादा लाइट है। तो सबसे पहले तो हम लोग लाइट को एडजस्ट करेंगे। सो गाइज, लाइट को एडजस्ट करने के लिए आप लोग को ये लाइट वाला आइकन पर क्लिक करना है, इस वाला आइकन पर। सो गाइज, मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड क्लिक करने के बाद इसके कंट्रास्ट को थोड़ा सा प्लस की ओर बढ़ाएंगे तो इसको रख लेते हैं +17 एंड हाईलाइट को माइनस की ओर लेकर चलेंगे तो इसको रख लेंगे -100 एंड शेडो थोड़ा सा प्लस की ओर बनाएंगे तो शेडो को रख लेते हैं +16 एंड व्हाइट को भी माइनस की ओर लेके चलेंगे। सो गाइज, व्हाइट को लेके चलते हैं माइनस की ओर तो इसको रख लेते हैं -88 एंड ब्लैक को माइनस की ओर लेके चलेंगे तो इसको भी माइनस की ओर लेके चलते हैं तो इसको रख लेते हैं हम लोग -36 रख लेते हैं एंड आप देख सकते हैं हम लोग का फोटो का लाइट एडजस्ट हो चुका है। सो गाइज, मैं आप लोग को बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, आप देख सकते हैं हम लोग का लाइट एडजस्ट हो चुका है। अब हम लोग ये कलर के आइकन पे क्लिक करेंगे, इस वाला आइकन पे। सो गाइज, मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड क्लिक करने के बाद इसका टेम्परेचर हम लोग माइनस की ओर लेके चलेंगे। सो गाइज, इसका टेम्परेचर को हम लोग -18 रख लेते हैं एंड इसका टिंट को प्लस की ओर बढ़ाएंगे। सो गाइज, इसका टिंट को हम लोग रख लेते हैं +16 एंड इसका वाइब्रेंस को भी थोड़ा सा प्लस की ओर बढ़ाएंगे तो इसका वाइब्रेंस को रख लेते हैं +14 एंड इसका सैचुरेशन भी थोड़ा सा प्लस की ओर बढ़ाएंगे तो इसको रख लेते हैं +17। अब आप लोग को करना क्या है, अब आप लोग को मिक्स टूल पर क्लिक करना है। सो गाइज, मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड क्लिक करने के बाद रेड कलर का सिचुएशन हम लोग थोड़ा सा प्लस की ओर बढ़ाएंगे तो इसको रख लेते हैं +27 एंड अब हम लोग ये ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद इसका सिचुएशन माइनस की ओर लेके चलेंगे तो इसका सिचुएशन को रख लेते हैं -11 एंड इसका लुमिनेंस को प्लस की ओर बढ़ाएंगे तो इसका लुमिनेंस को रख लेते हैं हम लोग +15 एंड अब हम लोग ये येलो कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद इसका सिचुएशन +100 रखेंगे एंड इसका ह्यू को माइनस की ओर लेके चलेंगे तो इसको ह्यू को रख लेते हैं -27 एंड अब हम लोग ये ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद इसका भी सिचुएशन +100 रखेंगे एंड इसका भी ह्यू माइनस की ओर ही लेके चलेंगे तो इसका ह्यू भी माइनस की ओर लेके चलते हैं तो इसको रख लेते हैं -61 एंड अब आप लोग को ये सियान कलर को सिलेक्ट करना है इस कलर को एंड सिलेक्ट करने के बाद इसका भी सिचुएशन +100 रखेंगे तो इसको +100 रख लिया एंड अब हम लोग ये ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद इसका भी सिचुएशन +100 ही रखेंगे तो रख लेते हैं एंड अब आप लोग को ये पर्पल कलर को सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट करने के बाद इसका सिचुएशन थोड़ा सा प्लस की ओर बढ़ाएंगे तो इसको रख लेते हैं +34 एंड अब हम लोग ये पिंक कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद इसका भी सिचुएशन +32 रख लेंगे। अब आप लोग को ये डन वाला आइकन पे क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद आप लोग को ये ग्रेडिंग वाला आइकन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आप लोग को लेफ्ट साइड की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को ये हाईलाइट दिख रहा है, आप लोग को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करना है जैसे कि मैं करूँगा। आप लोग को भी सेम टू सेम ही करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो आप लोग को भी कुछ इस प्रकार से कर लेना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ एंड एडजस्ट करने के बाद आप लोग को ह्यू को रखना है 191 एंड सिचुएशन को रखना है 60 एंड इतना रखने के बाद अब हम लोग ऊपर की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे एंड स्क्रॉल करने के बाद इसका लुमिनेंस को माइनस की ओर लेके चलेंगे तो इसका लुमिनेंस को मैं रख लिया -13 एंड इसका ब्लेंडिंग को भी इधर ही लेके चलेंगे तो इसका ब्लेंडिंग को मैं रख लिया
प्लस 42 एंड बैलेंस को भी माइनस क्यों लेकर चलेंगे, तो बैलेंस को रख लिया मैंने माइनस 31 एंड अब आप लोग को ये डन वाला आइकन पे क्लिक कर देना है, इस वाला आइकन पे। सो फ्रेंड्स मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड क्लिक करने के बाद अब आप लोग को करना क्या है, आप लोग को ये इफेक्ट वाला आइकन पे क्लिक करना है, इस वाला आइकन पे। सो फ्रेंड्स मैंने क्लिक कर लिया एंड क्लिक करने के बाद इसके क्लैरिटी को हम लोग थोड़ा सा प्लस की ओर बढ़ाएंगे, तो इसके क्लैरिटी को रख लिया मैंने प्लस 15 एंड इसका विग्नेट को माइनस की ओर लेकर चलेंगे, तो इसका विग्नेट को रख लेते हैं माइनस की ओर लेकर चलते हैं, तो इसके विग्नेट को रख लेते हैं माइनस 21 एंड अब आप लोग को ये डिटेल वाला आइकन पे क्लिक करना है, इस वाला आइकन पे। सो फ्रेंड्स मैं क्लिक कर लिया एंड क्लिक करने के बाद इसका नॉइज रिडक्शन को प्लस की ओर बढ़ाएंगे, तो इसका नॉइज रिडक्शन को रख लेते हैं 24 एंड इसका कलर नॉइज रिडक्शन को भी प्लस की ओर बढ़ाएंगे, तो इसको रख लेते हैं प्लस 12 एंड अब आप लोग को करना क्या है, आप लोग को ये शेयर वाला आइकन पे क्लिक करके फोटो कर लेना है सेव। सो गाइस मैं शेयर वाला आइकन पे क्लिक करके फोटो कर लेता हूं सेव। आप देख सकते हो हम लोग का फोटो यहां पे हो चुका है सेव एंड अब हम लोग का फाइनली फोटो एडिटिंग भी हो चुका है। आप देख सकते हो हम लोग का फोटो कितना कमाल का, कितना धासुन, कितना अमेजिंग एंड कितना खूबसूरत दिख रहा है, आप देख ही सकते हैं। सो गाइस मैं आप लोग को दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, आप देख सकते हैं हम लोग का फोटो कितना कमाल का, कितना धासुन, कितना ऑसम दिख रहा है। सो गाइस इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को स्टेप बाय स्टेप ब्लू एंड येलो कलर टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाया हूँ, तो प्लीज़ यार अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ यार इस वीडियो कर दीजिए लाइक एंड एक प्यार सा कमेंट करना आप लोग को ये एडिटिंग कैसी लगी। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।